हेलो क्लास, अभी हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। ये कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हुए थे तो इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं अकाउंटिंग पार्ट 12 में। सबसे पहला कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेसिकली बना था कि जो आप बिजनेस में फिक्स एसेट्स जो शो की जाएंगी वो जिस दाम पे खरीदी गई है उस पे शो की जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसको बेचने का हमारा काम नहीं है। लेकिन बाद में उसको मॉडिफिकेशन किया गया, उसमें यह रखा गया कि जिस दाम पे हमने कोई एसेट खरीदी है, जैसे प्लांट मशीनरी खरीदी है और भी कोई चीज खरीदी है, तो उसको हम दिखाएंगे जिस दाम पे हमने खरीदा। मतलब 10 लाख की कोई मशीनरी खरीदी तो 10 लाख पे दिखाएंगे, लेकिन उसकी जो वैल्यू टाइम के हिसाब से कम हो गई है, जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो थोड़ा सा कम करते हुए बैलेंस शीट में उसको शो करेंगे। और उसी के साथ एक और मॉडिफिकेशन ये हुआ कि जो करंट एसेट होती है, जैसे कोई स्टॉक है या कोई और आप जो सामान रखे हैं, करंट एसेट के बारे में हमने आपको पहले बताया है वीडियोस में, तो उसको हम कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस पे दिखाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए स्टॉक उन्होंने कोई खरीदा था, ठीक है, लड्डू बना के बेचने का काम था, 10,000 रुपए का बेसन खरीदा हुआ था, बाद में वो जो 10,000 का बेसन खरीदा था उसका दाम 12,000 रुपए मार्केट में हो गया, तो 12 में नहीं दिखाएंगे, 10 में दिखाएंगे। लेकिन अगर 10,000 रुपए का बेसन खरीदा था उसका दाम मार्केट में 8,000 रुपए का हो गया, तो वो 8,000 रुपए के हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस को लेके, ठीक है। अब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों पक्षों को दिखाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग हैविंग अ ड्यूअल एस्पेक्ट, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपकी जितनी भी एसेट है वो आपकी लायबिलिटी और कैपिटल को मिलाकर बनती है। अब जैसे किसी जेब में 50,000 रुपए पड़ा है तो हो सकता है कि उसका खुद का हो, तो फिर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल हो जाएगी। हो सकता है कि वो 50,000 में से 10,000 उसका खुद का हो और बाकी जो है किसी को उसने देने के लिए रखा हो, तो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। तो मतलब एसेट जो आपकी होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल को बनाकर बनती है। फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। जब ये कॉन्सेप्ट बना था तब इसने ये बोला था कि जब पैसा रियलाइज हो जाए तब लिखिए, ठीक है। बात इसमें अभी भी वही है, रेवेन्यू इज डीम हैव टू बी डीम टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल ओनरशिप ऑफ गुड हैज बीन ट्रांसफर टू द परचेजर एंड व्हेन ही हैज लीगली लायबल टू पेमेंट। वो लीगली लायबल हो गया कि आप उसको पेमेंट करना है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस साल की इनकम हो उसी साल के एक्सपेंस के साथ उसको दिखाया जाए, जिससे रियल प्रॉफिट को हम पता कर सकें। कई बात लिखी है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू, ठीक है। लास्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन अ ऑब्जेक्टिव मैनर, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए, किसी पर्सनल बायस से नहीं हो। अकाउंटेंट क्या करता सोचता है, मैनेजमेंट क्या अकाउंट सोचता है, इसके बेस पे नहीं, जिस ऑब्जेक्टिव से अकाउंटिंग बनाई जा रही है उसके हिसाब से उसको होना चाहिए। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अब आपके सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब अगले टर्म से हम कन्वेंशन के ऊपर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।